नमस्कार, आप देख रहे हैं रीति न्यूज। की बड़ी खबर मिली है रायसेन जिले के सुल्तानपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत कंजई के भीमपुर ग्राम से, जहां पर सरपंच ने सचिव पर लगाया भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। किसी के कुटीर के पैसे में किसी का मकान बना रहे हितग्राही परेशान। सीसी रोड का पैसा निकल गया लेकिन सीसी रोड नहीं बन पाई, ग्रामवासी परेशान। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश जिले के सुल्तानपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत भीमपुर कंजई में, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना में जमकर हो रहा भ्रष्टाचार। पहले तो हितग्राहियों से कुटीर के फार्म भरवा लिए लेकिन एक साल तक हितग्राहियों के कुटीर का लाभ नहीं मिला। कुछ ग्रामीणों अभी तक कुटीर के नाम पर पंचायत के चक्कर काट रहे लेकिन उनके कुटीर का लाभ नहीं मिल पा रहा। और जिन ग्रामीणों को कुटीर स्वीकृत हो गया है उनसे किस्त खाते में डालने से पहले सचिव द्वारा 5,000 रुपये की मांग की जा रही है। वहीं किसी दूसरे का कुटीर किसी के नाम पर किया जा रहा है। किसी का पैसा, किसी का कुटीर और किसी का घर। इस गांव में आवास में तो भ्रष्टाचार हुआ ही, यहां पर बनने वाली 3 CC रोडों का भी पैसा निकाल लिया गया लेकिन आज तक यहां पर रोड नहीं बन पाई, जिसके चलते ग्रामवासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी शिकायतें भी की लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं। आइए सुनते हैं ग्रामवासियों की जुबानी पूरी कहानी। क्या नाम है साहब आपका? सुंदर है। ये कुटीर का क्या मामला है आपका? कुटीर का मामला ये है साहब, मैं ग्राम भीमपुर कंजई पंचायत का मूल निवासी हूँ। मेरी कुटीर जो आई थी और वो दूसरे व्यक्ति नाम बार चेंज करके उन लोगों ने दे दी। अब फोटो उसकी लगी है और मेरे बच्चे की भी लगी है दोनों। और मेरी कुटीर के अलावा जब मैं उनसे बोलता हूँ, सचिव से, उप सरपंच से, उप सचिव से, तो साहब वे कहते हैं कि मेरी शिकायत कर दो, जा तुझसे बने तो ये कर लेना। और साहब मुझे धमकी दिखाते, बोले गांव हमारा, पंचायत हमारी, तू क्या करेगा हमारा। ये आपकी कुटीर का पैसे मतलब दूसरे को दिया है? दूसरे को दी गया साहब। तो वो कैसे दे दिया दूसरे को? अब साहब जा तो वो सचिव जाने, दोनों उप सचिव जाने और सचिव जाने साहब। क्या आप ही के नाम का एक और है यहाँ पर कोई? हाँ साहब, वो भी हैंगे। जिनको कुटीर दिया वो उन्हीं का नाम आपके नाम से मिलता है क्या? नहीं साहब, वो मेरा नाम था मगर उनका नाम हो गया। अच्छा, उनका खाता लगा है, उनके खाते में पैसे गए और परिवार आईडी जो भी कुछ है वो सब मेरे हैं साहब। अच्छा, आपका मकान नहीं बना है? कौन से मकान का स्वीकृत हुआ? मैंने तो अभी पैसों के दर्शन ही नहीं करे, कैसे पैसे होते हैं और कहाँ से निकलते, क्या होता है साहब। मेरा तो खाता बाद में खुला है। आपके कौन से मकान का फोटो खींचा था? ये खड़ा हूँ साहब, रह रिया हूँ, वही मकान का फोटो था। इसी मकान का फोटो था? मकान का फोटो आपके पीछे जो है जी। आपके कुटीर के पैसे दूसरे को दिए? दूसरे को दिए साहब। क्या नाम भैया आपका? चौहान सिंह। ये आपकी जो कुटीर आई थी, क्या मामला हुआ है इसके अंदर पूरा? इसके अंदर ऐसा हुआ कि पहले मेरी फोटो खींच के ले गए और हमारे पिताजी के नाम से स्वीकृत हुई थी और फिर बाद में इन लोगों ने किसी दूसरे के खाते में पैसा डाल दिया, चारों किस्त 1,20,000। अच्छा, उसके सारे प्रूफ मेरे पास में है। अच्छा, कागज है आपके पास जी? तो इसमें क्या एक ही वो आ रही है आपके, एक ही नाम से आ रहा है कि दोनों के जो दूसरे को आपने दिया? आ रहा है, बल्दिया चेंज हो रही है बस उनकी, और बाकी कागज डॉक्यूमेंट्स हमारे लगे हैं, मतलब खाता और उनका और नारे का जॉब कार्ड लगा है बस। अच्छा, कितनी कितनी किस्त डाली गई है उनके में? चारों किस्त डाली गई, 1,25,000 की, 2,40,000 की, 1,15,000 की, और मजदूरी के पैसे भी उन्हीं को मिले हैं। तो आपको कैसे पता चला कि ये हमारे किस्त के पैसे दूसरी जगह दिए गए? मोबाइल एप्स में देखा हुआ था मैंने ऑनलाइन पे, तो उसमें सुंदरलाल बलदेव चारों किस्त कंप्लीट बता रहा था, तो मैंने उन लोगों के पास गया तो बोले आपसे बने जो कर लो। तो हमने प्रूफ निकाल के लेके आए। अच्छा, तो मतलब आपके कुटीर के जो 1,20,000 जो राशि थी वो दूसरे को दे दी आपके हम नाम की मतलब? और मकान भी उसका कंप्लीट हो चुका है, चल के आपको इंक्वायरी करवा देते हैं, दिखा देते हैं मकान कहाँ, मतलब फोटो वगैरह और जो जगह का जो फोटो जो खींचे थे वो आपके यहाँ से थे पूरे? वो फोटो बाकी हमारे यहाँ से खींचे थे, फिर बाकी बाद में मकान के फोटो स्लिप के, बीम के और मतलब छत के फोटो किसी और के यहाँ से लेके गए, और उसमें जो शख्स खड़ा हुआ है फोटो में वो भी दूसरा है। अच्छा, क्या नाम भैया आपका? विष्णु शर्मा। ये रोड का क्या है, रोड क्यों नहीं बन पाया? ये रोड के पैसे तो निकाल रहे मगर बना ही नहीं है। अच्छा, स्कूल में बच्चा बच्ची कीचड़ में से जाते हैं। अच्छा, पैसे पंचायत वालों खा गए, रोड बनाया नहीं। अच्छा, और मेरी लेटरिंग मैंने निजी पैसों की बनवाई है और पंचायत वालों ने निकाल के पैसे सरकार के खा गया, मुझे 1 रुपया नहीं मिला। अच्छा, तो शासन द्वारा बनी होगी ना आपकी लेटरिंग? नहीं नहीं, निजी पैसों की बनाई, आपने खुद बनाई है? तो आपको कैसे मालूम पैसे निकल गए? कागजों में दिखा रही, फोटो खींच के दाए थे तो बिन पैसे बिन नहीं खागा निकाल के, अपन ने नहीं दिया, अपन ने निजी पैसों की बनाई। अच्छा, आपने खुद ही बनाई? क्या नाम भैया आपका? अमर सिंह।
ये इधर का स्कूल के सामने का जो रोड है जी, ये बना नहीं है? ये नहीं बना, इसकी जानकारी ये मिल रही है कि पैसा निकाल लिया और रोड कागजों में बना दिया, स्कूल के सामने कीचड़, रोड नहीं बनाया। अच्छा, तो बच्चे क्या है, इसी में से जाते हैं कीचड़ में? इसी कीचड़ में से जाते हैं, पर्सनल पत्थर डालना हेड पंप की जैसे, इससे निकालते हम बच्चों को जी। तो आपको कैसे जानकारी है कि इसके पैसे? जो हमें जानकारी ऐसी मिला है पंचवाद द्वारा, तो जो पता लगा कि रोड बन चुका है। अच्छा, मतलब कागजों में रोड निर्माण हो गया? हाँ, कागजों में रोड निर्माण हो गया है। और हकीकत में नहीं है? हकीकत में नहीं है। ये आपका? शिव नारायण शर्मा। ये रोड की क्या दिक्कत है? सर ये रोड तो पैसे में से तो निकल गया, मगर सरपंच सचिव ने बनवा नहीं है, और ये बच्चों को भी दिक्कत हो रही है। अच्छा। निकलने में ग्राउंड भी नहीं है स्कूल में खेलने के लिए। हाँ। न बच्चे निकल सकते, न आदमी को भी निकलने में दिक्कत हो रही है मेन रोड पर। तो आपको कैसे मालूम मतलब पैसे निकले हैं इसके, क्या है? सर पंचायत से पता चला था। अच्छा। कागजों में निकल गया, पैसा निकल गया, मतलब रोड कागजों में निर्माण हो गया है, जमीनी हकीकत पे जो है कि कीचड़ है, रोड नहीं है यहाँ पर। अच्छा, ये सरपंच साहब, यहाँ पर कुटीरों के अंदर काफी गड़बड़ी हो रही है, किसी की कुटीर का पैसा किसी को दिया जा रहा है और हड़पे जा रहे हैं पैसे, और ऐसी यहाँ पर जो है कि सीसी रोड में भी जो है कि तीन तीन रोड की राशि निकल चुकी है, रोड नहीं बने, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? कुटीर का तो ऐसा है साहब कि कुटीर की तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैंने वरिष्ठ कार्यालय को अवगत भी करा दिया है, और किसका है वो सचिव जाने, उसने बहुत धांधलियाई करी है इस मामले में तो। और रही बात तीन रोड की, तो उसमें कुछ आधा पैसा निकाल लिया है, उसकी जवाबदारी मेरी, मैं उनको बनवाऊंगा जैसी बारिश खत्म होगी, मैं बनवा दूंगा। हाँ, जैसे कि तीन रोडों का पैसा निकल चुका है, मतलब पांच साल अपने बीते जा रहे हैं, तो ये निर्माण कब होंगे इनके? ये अभी एक महीने के अंदर हो जाएगा। अच्छा, तो सचिव क्या आपकी सुनवाई नहीं करता? सचिव नहीं सुनता आप, वो तो मैंने वरिष्ठ कार्यालय को बाड़ी में अवगत करा दिया है, सीओ साहब को 6 महीने बाद आज पहली बार मेरे यहाँ सचिव आया है प्रभार में, तो अब उसको कल से मैं चार्ज मार दिलाऊंगा। तो आपने ये सचिव की जो है कि ये धांधलियाई कर रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा था, इसमें लिखित में आपने शिकायत की है क्या? नहीं, बाड़ी में तो मैंने लिखित में कर दी है साहब, रायसेन में जरूर हितग्राहियों से करवाया मैंने, आवास वालों से जी, तो मुझको ये सिक्योरिटी नहीं चाहिए। जांच दल आया था वहाँ से कुटीर वालों का, उनने कही वो तुम्हारी मिली भगत है, तुम्हारी मिली भगत चलती है, तो उनने कुछ नहीं करा, क्या मालूम क्या लेन देन हो गया साहब, इसकी जानकारी मुझे नहीं। जैसे 20-22 लाख रूपये रोडो का निकला हुआ है, 12-15 लाख रूपये, और 1,20,000 एक के कुटीर के गाय में फोटो उसका खिंचा है, लेकिन कुटीर का पैसा जो है खा लिया गया है या दूसरे को दिया है, मतलब बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार देखा गया है इसमें। नहीं, इसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं, कुटीर का किसको दिया सिक्योरिटी ने, ये मुझे जानकारी नहीं, ना मेरी सील लगवाई, मैंने बता भी दिया बाड़ी जाके, कवाई जी अपने मन से कुटीर दे रहे हैं, इससे पहले सीओ मुगराज मीणा था, उनने कहा कि साहब वो सरकारी काम कर रहा है, उन्हें करने दो, आप क्या लेना देना, मैं ठीक है साहब। तो क्या कहीं ना कहीं इसमें अधिकारी भी लिप्त थे क्या? अब इसकी जानकारी तो साहब वो ही दे पाएंगे, मैं तो नहीं बता पाऊंगा। फिर भीमपुर कंजई के अंदर भी ऐसी आवासों में भ्रष्टाचार हुआ है, और वहाँ भी सीसी रोड जो दो बनना थे उनकी भी राशि निकल चुकी है। हमारे द्वारा करा दीजिए, इसमें मैं था नहीं, इसके बाद कार्रवाई हम लोगों ने उनको नोटिस भी जारी किया हुआ, उनको जवाब आ जाए तो उसके बाद फिर उनके लिए कार्रवाई करेंगे। ये पहले से है जानकारी इसकी थी, और जांच जो है बीसी और सर्जन के द्वारा किया गया सर। एक सांतरा पंचायत